पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और सरकार विपक्षी दलों को दोषी ठहरा रही है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सरकार को लथाड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि यूपी में जंगल राज है, सरकार ने कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, जिसके बाद कहा जा सकता है कि यह सरकार डायलॉग से चल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार के पास परमानेंट डीजीपी नहीं है, सही खबर मुख्यमंत्री तक अधिकारी तक कैसे पहुंचाएंगे। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर सूचनाएं क्यों रोकी जा रही हैं, पुलिस प्रशासन जो है वो सरकार को खुश करने में लगा हुआ है। सवाल ये नहीं है, सवाल डायलॉग पे चल रही है। सरकार सरकार को लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहिए। जो सरकार अपना डीजीपी नहीं बना पा रही है, क्या उम्मीद करो कि उसमें लॉ एंड बेहतर होगा। ये वो अधिकारी है जो सरकार तक सब इंफॉर्मेशन नहीं जाने दे रहे, इसीलिए मुख्यमंत्री डायलॉग मारते हैं।